एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिजा शेख और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग है लॉकडाउन के हवाले से। तो लॉकडाउन चल रहा है और लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगी। साथ में आज हम बाहर नहीं जा सकते तो मैंने वॉक भी करनी है। आज मैं घर में वॉक करूँगी और क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते तो मैंने आज घर भी वॉक करनी है और मैं वॉक करते हुए भी आप लोगों से बात करूँगी। साथ में आप लोगों को बाहर का अपने टेरेस में से व्यू दिखाती हूँ कि आज लोग क्या कर रहे हैं। इस वक्त तक बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा। हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला सिंह की तरफ से काफ़ी अपील की गई है कि घरों में रहा जाए, लेकिन इस वक्त तक लोग काफ़ी घरों से निकले हुए हैं। आई थिंक कुछ काम वाम कम्प्लीट कर रहे हैं क्योंकि आज सुनने में यही आ रहा है कि लॉकडाउन हो जाएगा। तो मेरा जब ये वाला ब्लॉग जब मैं अपलोड करूँगी तो मेरी कुछ ऐलान और कुछ जो न्यूज़ है वो चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक यही सुनने में आ रहा है कि रात तक वज़ीर आला सिंह जो है वो काफ़ी हद तक हमारे सिंध को लॉकडाउन कर देंगे। कराची जो है वो काफ़ी हद तक लॉकडाउन हो जाएगा और होना भी चाहिए, मैं यही कहता हूँ। हालाँकि थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हमें जो आवाम को होती है कि उनकी पेमेंट छूट जाएंगी, वो कहाँ से खाएंगे गरीब आवाम, तो मैं भी इसी में ही शामिल हूँ कि हमारी भी काफ़ी पेमेंट छूटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि लॉकडाउन हो जाए क्योंकि जब लॉकडाउन होगा तो ही मेरे हस्बैंड घर पे बैठेंगे, क्योंकि मैं उनको घर पे बैठने पर कायल नहीं कर पा रही हूँ। वो घर पर बैठें और वो भी काम करना चाहते हैं क्योंकि उनका भी यही है कि हमारी पेमेंट छूटी हुई तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी, काम निकलेगा तो ही पेमेंट्स आएंगी। तो इसलिए जो है अगर लॉकडाउन फुली टोटली तौर पे टोटली लॉकडाउन होता है अगर, तो ही ये हालात जो है वो कंट्रोल में आएंगे। आप लोगों ने देखा आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमवात जो है वो पाकिस्तान में 4 हो गई हैं। तो 4 अमवात के साथ जो है ये कोरोना वायरस के मरीज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। हम लोग घर पे बैठे हुए हैं और जो लोग बाहर जा रहे हैं और जो लोग घर पे बैठे हैं, तो आधे लोग अगर बाहर जाएंगे और आधे लोग अगर घर पे बैठे हैं तो उनकी जो सेल्फ आइसोलेशन की बात हो रही है तो वो नहीं हो सकती। आइसोलेशन कैसे स्टार्ट होगी कि अगर पूरी जो आवाम है वो अपने घरों में बैठे बीवी बच्चों के साथ, बीवी बच्चों को तो अलाउ नहीं है कि बच्चों को लेके जो है स्टोर्स में जाया जाए, तो उनको तो अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साथ में अगर जो घर वाले हैं वो भी अगर बाहर इस तरह आते जाते हैं कि वो आइसोलेशन में नहीं है, तो लेकिन हम लोग काफ़ी बस मैं भी कंट्रोल कर रही हूँ सारी सिचुएशन को। तो मच्छर आ गए हैं, मच्छर भी आना शुरू हो गए क्योंकि मैं टेरेस में बैठी हुई हूँ यहाँ पे। और मैं अब आप लोगों को पहले बाहर का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि जब मगरब हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। मैं दिखाती हूँ यहाँ नीचे की साइड पे, मैंने अभी देखा कि लोग मास्क लगा के बैठे हैं, मास्क उन्होंने लगाया हुआ बिल्कुल हमारे फ्रंट टू जो ट्रैक के बिल्कुल पास में बैठे हैं लोग। और यहाँ पर ये चाय की होटल की अक्सर जो है चेयर्स लगा के चाय लोग पी रहे होते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ जमा हैं। और मैंने यहाँ अभी देखा कि लोग चाय पी रहे थे और मास्क लगा के बैठे हुए हैं और 4 लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने मैंने सुनने में आया था कि 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन मैंने नीचे देखा मास्क लगा के 4 लोग इकट्ठे हुए। तो आई थिंक लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि 4 लोग इकट्ठे होंगे और मास्क लगाया होगा तो कोई बात नहीं है इसमें। तो मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखाती हूँ। और मैंने एक अंकल को भी देखा है, हमारे नीचे डायनासोर लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत छोटी बच्ची है, मैंने देखा है कि वो छोटी बच्ची वहाँ डायनासोर के आसपास खेल रही है, उसके ऊपर चढ़ रही है। तो यानी लोग जो है वो बाहर घूमने फिरने और अपने तरीके से बाहर आने जाने में लगे हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखाती हूँ और साथ साथ बताती हूँ कि क्या पहले ही ट्रैक के पास जो 4 लोग जमा हुए हैं, पहले सबसे पहले तो आप इन लोगों को देखिए, यहाँ पर चाय के होटल की जो चेयर्स हैं वो यहाँ पर लगा के लोग चाय पी रहे होते हैं और काफ़ी रश होता है, लेकिन अभी यहाँ चेयर्स नहीं रखी हुई हैं और सब कुछ समेट के साइड में रखा हुआ है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो ये जो 4 लोग खड़े हुए हैं इनमें से आई थिंक 2-3 ने मास्क भी लगाया हुआ है
और मास्क लगा के ये लोग सब इकट्ठे होके चार लोग खड़े हैं। तो सुनने में यही आया था कि चार लोग इकट्ठे होके नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वायरस के फैलने का खतरा है, लेकिन ये लोग मास्क लगा के और बाकायदा खड़े हैं। पुलिस की मैंने गाड़ी देखी है, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ रही है, अभी आप लोगों को दिखाई देगी। यहाँ पर पुलिस आई है और उन्होंने हॉर्न किया है और उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। गाड़ी में बैठे हुए हैं पुलिस वाले और उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है और वो जो है हॉर्न उन्होंने दिया है और आई डोंट नो क्यों हॉर्न दे रहे हैं वो लोग। तो ये जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, आई थिंक किस वजह से खड़े हैं मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। इस चीज़ का नीचे का चाय का होटल जो है वो तो टोटली बंद हुआ हुआ है, खाली मैंने देखा था कि आज जल्दी खुल गया था चाय का होटल। वैसे चाय का होटल जो है वो 6-7 बजे खोलते हैं, लेकिन अभी आज मैंने देखा कि 4:30-5 बजे ओपन हुआ हुआ था और लोग चाय पीने के लिए आए हुए थे। बसेस को देखिए, बसेस भी चल रही हैं। अभी मगरिब की अजान का मैंने ब्रेक दिया है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ट्रेन भी अभी आई है और ट्रेन बिल्कुल फुल भरी हुई गई है। तो आई थिंक आज से काफ़ी सख्ती से लॉकडाउन का कहा गया है, इस वजह से शायद जो है इसलिए आई थिंक ट्रेन बहुत भरी हुई गई है, लेकिन इससे पहले तो हमने इतनी ट्रेन को भरे हुए नहीं देखा। उसके अलावा नीचे मैंने फोर्सेस को देखा है कि फोर्सेस आई थिंक आना शुरू हो गई हैं। एक पुलिस की गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी हुई बिल्कुल अपने बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे देख रही हूँ और उसके अलावा जो वहाँ पर रोड है, मेन रोड जो है, मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर भी फोर्स की जो है गाड़ी, मैंने उसको भी देखा है। और उसके अलावा नीचे लोग बैठे हुए, पहले उन्होंने मास्क लगाया हुआ था लेकिन अब बिल्कुल उन्होंने उतार दिया। उसके अलावा वहाँ पर देखें, एक अंकल जो हैं बिल्कुल डायनासोर के पास, आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे अंकल दो बच्चों को उनके साथ लेके बच्चों के साथ टहलने के लिए निकले हुए। पहले वो डायनासोर हमारा जो था उसके पास खेल रहे थे, लेकिन अब जो है वो बच्चों के साथ टहलने निकल रहे हैं। के अलावा अब मगरिब हो चुकी है और मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, आप लोग भी नमाज़ पढ़िए ताकि हमें अगर ये वायरस जो है इतना ज़्यादा फैलता है तो हम अपने लिए अस्तगफार करें, नमाज़ पढ़ें, अब नमाज़ पढ़ के दुआ मांगें ताकि इस वायरस से हमारे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को निजात मिले और हमारी सबकी रूटीन दोबारा से बहाल हो। बसेस देख रहे हैं आप लोग कितनी भरी हुई जा रही हैं यहाँ से और काफ़ी ट्रैफिक है इस वक्त। आई डोंट नो कि क्या आगे से होना बनता है, आगे से क्या प्लान बनता है, कुछ कह नहीं सकते हम। नमाज़ पढ़ के अपने लिए दुआ मांग के, सबके लिए दुआ मांग के आई हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि मेकअप में कौन नमाज़ पढ़ता है, तो मैं ये बताऊँ कि पहले मैंने वज़ू किया था, फिर मैंने मेकअप किया था और फिर मैंने वज़ू के साथ ही नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जैसे ही मैंने मेकअप किया उसके साथ ही मगरिब हो चुकी थी। तो मैं दोबारा से रेडी हो जाती हूँ, तो मैं रेडी हो गई हूँ दोबारा से और मुझे बहुत प्यास लग रही, मैं पानी पीने लगी हूँ। और आप लोगों को पता है जब रिकॉर्डिंग होती है तो फ़ैन को ऑफ करना पड़ता है क्योंकि उसमें आवाज़ भी क्लियर नहीं आती। मैं पता है क्या करने वाली हूँ, अब मैं आप लोगों को अपने दोनों किड्स के इंटरव्यूज दूंगी छोटे छोटे से। तो सबसे पहले मैं मनाहिल से पूछूंगी कि मनाहिल के स्कूल ऑफ हैं और कोरोना वायरस की वजह से, तो मैं ये पूछूंगी उससे मनाहिल से आपको कैसा फील हो रहा है कि आपके स्कूल बंद हो गया, क्योंकि उसको फ्रेंड्स वगैरह से मिल नहीं रही है और मैं बाहर भी बिल्कुल भी फ्रेंड्स से इसके मिल नहीं दे रही। इसकी हमारी ही बिल्डिंग में इसकी एक
क्लास फेलो भी रहती है, लेकिन मैं उससे भी इसका बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं होने दे रही। दरवाजे तक मुझे जाने की टेंशन हो रही है। बाहर बच्चे खेलने पहले आते थे, लेकिन अब वो भी बिल्कुल बंद हो गए क्योंकि मैं खेलने बाहर बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हूँ इस वजह से। तो मनाहिल से पूछते हैं कि मनाहिल को छुट्टियों में कैसा फील हो रहा है। तो मनाहिल की तरफ चलते हैं हम, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। चलो जी, अच्छा जी, मेरा सर कट रहा है क्योंकि मैंने इसको खुद ही से मनाहिल के साथ एडजस्ट किया है। तो मैं आपसे मनाहिल से ये पूछ रही हूँ, मनाहिल आप बताइए, आप तो बड़ी क्यूट लग रही हो आज, आपने बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल नया सा बनाया है। मैंने बनाया है? अच्छा खैर, चलो आप मुझे ये बताओ कि आपके स्कूल ऑफ हैं, आप स्कूल नहीं जा रही और कोरोना वायरस की वजह से, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उधर देख के बताओ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों अजीब क्यों लग रहा है? क्या करना था? अच्छा, क्या होना चाहिए था? मुझे स्कूल जाना चाहिए था। और होमवर्क ही नहीं मिल रहा अब आपको, अब क्या कराएं? आपको घर पे ही कराएं? घर की कॉपीज तो अच्छी नहीं होती ना, घर की कॉपीज में कहीं कुछ ड्राइंग बनी होती है, कहीं कुछ काम किया होता है, कहीं किसी ने कीड़ा मकोड़ा बना दिया। और स्कूल की कैसी होती है कॉपी आपकी स्कूल की? बिल्कुल परफेक्ट, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होती है ना। चलो, और घर में क्या कर रही होगी अभी, क्या करेगी आप? टीवी देख रही थी। टीवी में क्या देख रही थी? फिल्म का नेम बताओ। बेबी बॉस। बॉस बेबी, बेबी बॉस, वाओ न्यू नेम है ये तो मुझे लग रहा है। और रात को कौन सी मूवी देखी थी आपने? रात वाली का नाम बताओ। मोआना। मोआना, वाओ, मोआना आप में तो नहीं मिलती, आपका हेयर स्टाइल मुझे उसकी जैसा क्यों लग रहा है, मोआना की जैसा। अब मैं आयान से पूछूंगी कि आयान आपको कैसा लग रहा है स्कूल ना जाके, क्योंकि आपके तो अभी तकरीबन 10 days में एग्जाम्स होने वाले थे, लेकिन आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं जून तक। अब तक तो एग्जाम्स खत्म भी हो जाना चाहिए, अब तो खत्म हो गए होंगे। अच्छा ये बताओ, आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसी थी? एग्जाम्स की तैयारी तो उस वक्त मैं कर रहा था, लेकिन अभी छुट्टियाँ आ गई तो मुझे ज़्यादा अच्छी तैयारी करने का मौका मिल गया। और अभी तक आपने कोई तैयारी तो की नहीं है, रात को भी फिल्म, अभी भी फिल्म है। हाँ कोई बात नहीं, 2 महीने बचे हैं अभी, आराम से। हाँ तो अभी नमाज पढ़ के क्या दुआ मांगी? अभी नमाज पढ़ के मैं सबके पूरी दुनिया की दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। सही। और आपको क्या लगता है क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक जर्म है जो अल्लाह ने हमें चीज़ें हलाल नहीं की है उसको खाने से, उसमें जर्म से किया वो उसको कोरोना वायरस ने नाम दिया। ओके जी, थैंक यू, आप दोनों ने मुझे इंटरव्यू दिए। ये पाकिस्तान की आवाम है जो मेरे ब्लॉग में आज बैठी हुई थी, मेरे ही घर में रहती है पाकिस्तान की आवाम, तो मैंने इनके आज इंटरव्यूज आप लोगों को दिखाए हैं। तो अब मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ, अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, मुझे भूख लग गई है और मैं खाना खाऊंगी, और उसके बाद मुझे ब्लॉग को एडिट करना है। तो मैं मुझे मालूम नहीं है कि मैं ब्लॉग को कब एडिट करूँगी, तो मुझे मालूम नहीं है कि अब मैं तो मुझे पता नहीं है कि अब मैं आप लोगों से ब्लॉग में कब मिलती हूँ, कब कंटिन्यू कर पाती हूँ मैं अपने ब्लॉग को। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और उसके बाद मैं ब्लॉग को एक एडिट करूँगी, क्योंकि जो ब्लॉग मैंने अभी अपलोड करना है उसके बाद ये वाला ब्लॉग आप लोग मेरा देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला ब्लॉग भी मेरा आज ही डल जाए। तो आई डोंट नो ये मेरा ब्लॉग कब कंप्लीट होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरा ब्लॉग जल्दी से एडिट करके मैं इसको भी डाल दूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक और ब्लॉग को एडिट कर रही थी, वो मुझे डालना है अभी तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उसको अपलोड कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये वाला ब्लॉग डालूँगी। तो अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं वॉक कर रही हूँ, थोड़ी सी मुझे वॉक करनी है, तो आप लोग भी मेरे साथ वॉक कर लीजिए, मेरे साथ साथ बच्चे मेरे वो देख रहे हैं फिल्म बॉस बेबी, और मैं कर रही हूँ वॉक, और आप लोग भी मेरे साथ वॉक कर लीजिए। आप लोगों को भी
मेरे घर की वॉक करवा रही हूँ मैं साथ साथ, और बच्चे जो है वो फिल्म देख रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा म्यूट कर दिया मेरी वजह से, ताकि मम्मा थोड़ी सी बात भी कर लें वॉक करते हुए। आज मैं घर पे वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीड हो रही थी कि मैं थोड़ी सी वॉक करूँ, और वॉक करने की वजह से मेरी सांस भी फूल रही है। बाहर आप लोग देख रहे हैं कि बाहर काफी लोग जमा हैं, और मुझे काफ़ी बोरियत फील हो रही थी कि मैं थोड़ी सी वॉक भी करूं। मैंने घर पे वॉक करना शुरू कर दी है। घर का ये वाला जो एरिया है जहाँ से मैं गुज़र गुज़र के जा रही हूँ, मैं वॉक यहाँ पे करती हूँ अक्सर, वरना मैं यहाँ पे करीब में एक पार्क था वहाँ मैं जाके वॉक किया करती थी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। आप लोग देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों को लाइक भी करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।